मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो मैं यहाँ पे अभी आज के टॉपिक में मैंने लिया है एमकॉम पार्ट टू का सेमिस्टर थ्री का एक टॉपिक जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के टाइम के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप सभी लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। आजकल टीवी पे न्यूज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बैंक में पैसे जमा करने की जगह पे आजकल स्टॉक में पैसे लगा रहे ताकि उन लोग को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके, अब स्टॉक एक्सचेंज अभी हम लोग को फिलहाल सेमिस्टर थ्री में टॉपिक है, जबकि ये टॉपिक बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी पूछा जाता है, जैसे बीकॉम वगैरह में भी कभी कभार स्टॉक एक्सचेंज से कुछ चीज़ें पूछी जाती है, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो बिना वक्त गवाए चलते स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू इट्स मेंबर फॉर परचेसिंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी एज पर एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जो उसके मेंबर को परचेस और सेल्स करने के लिए किस चीज़ का परचेस और सेल्स, तो सिक्योरिटी का परचेस और सेल्स करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हाँ, इन लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इनमें जो भी सिक्योरिटी का डीलिंग होगा वो उनके सेटअप रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही होगा। ओके, फिर उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले मैं इसके पॉइंट्स बता देती हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला वॉलेंटरी एसोसिएशन, सेकेंड रिकॉग्नाइजेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज एसेंशियल, थर्ड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग, फोर ट्रेडिंग एज पर एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन, फाइव ट्रेडिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्स ट्रेडिंग बाय मेंबर्स ओनली, सेवन मैनेजमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो चलो इसको हम लोग देखते एक एक करके किस में दिया क्या है। सबसे पहले वॉलेंटरी एसोसिएशन, एनी शेयर मार्केट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग एंड कंट्रोलिंग द परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। That voluntary association may be in the form of corporate or non-corporate body. कोई भी शेयर मार्केट जो है वो खुद से एसोसिएट किया गया होगा, मतलब voluntary association का मतलब होता है जो खुद की इच्छा से पार्टिसिपेट करना चाहता होगा। बस इनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है सेबी से और इन लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए सिक्योरिटी का परचेस और सेलिंग करने के लिए, तो ही वो वहाँ पर टिक सकते हैं। सेकेंड हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है रिकॉग्नाइजेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एसेंशियल, नो शेयर मार्केट कैन एक्ट एज अ शेयर मार्केट अनलेस एंड अनटिल इट गेट्स रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी शेयर मार्केट जो है वो शेयर मार्केट के हिसाब से काम नहीं कर सकता या उसके नाम में काम नहीं कर सकता जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिलती। अब ये रिकॉग्नाइजेशन जो है वो 5 ईयर्स का भी होता है और परमानेंट बेसिस का भी होता है। अगर किसी शेयर मार्केट का रिकॉग्नाइजेशन टाइम पीरियड 5 ईयर्स का है तो उसको अगर उसके बाद भी शेयर मार्केट चलाना होगा तो वो अपना पीरियड एक्सटेंड कर सकता है और 5 ईयर्स के लिए या परमानेंट बेसिस पे। ओके, थर्ड हम लोग को दिया हुआ है प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी टू द मेंबर्स, सच फैसिलिटी इंक्लूड्स ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ऑफिस कंप्यूटर फैसिलिटी एक्सेट्रा। स्टॉक मार्केट हम लोग को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है हम लोग को ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ट्रेडिंग के अंदर क्या कौन कौन सी ट्रेडिंग्स आती है, तो अगर हम लोग को ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी हो तो वो हम लोग कर सकते हैं, ऑफिस कंप्यूटर ट्रेडिंग करनी हो तो वो कर सकते हैं, मतलब हम लोग घर बैठे भी स्टॉक मार्केट के अंदर डीलिंग कर सकते हैं। ओके, फोर्थ हम लोग को दिया है ट्रेडिंग एज पर एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर हेल्दी ट्रेड प्रैक्टिस द मार्केट लेज डाउन सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग टाइमिंग्स ऑफ ट्रेडिंग, प्राइस, बीडिंग एक्सेट्रा। अगर हम लोग को हेल्दी कॉम्पिटिशन चाहिए, हेल्दी ट्रेड प्रैक्टिस चाहिए, तो मार्केट ने जो ट्रेड का रूल्स एंड रेगुलेशन रखा हुआ है तो हमको उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग का ट्रेडिंग करना है। अब उस रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, तो ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या है, फिर प्राइस को हम लोग किस तरीके से बीट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर आती है। फिफ्थ दिया हुआ है ट्रेडिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूड्स परचेज एंड सेल्स ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हमको इक्विटी शेयर में अगर ट्रेडिंग करना हो तो हम इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमको प्रेफरेंस शेयर में अगर ट्रेडिंग करना हो तो हम प्रेफरेंस शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो हमारी मनमर्जी की बात है हमको किस चीज़ में डीलिंग करना है। सिक्स ट्रेडिंग बाय द मेंबर्स ओनली,
ओनली द मेंबर्स आर परमिटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, अदर्स कैन डू सो थ्रू द मेंबर्स। सिर्फ जहाँ वहाँ के जो मेंबर्स है, जिनको मेंबरशिप दी गई होगी, वही वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर किसी और को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना होगा तो हमको मिडल पर्सन उस मेंबर को बनाना पड़ेगा, यानी वो मेंबर हमारा ब्रोकर होगा, ठीक है। सेवेंथ, मैनेजमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्टॉक एक्सचेंज बींग अ कॉर्पोरेट बॉडी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट। स्टॉक एक्सचेंज एक कॉपरेटिव बॉडी है, इसके लिए इसके खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही स्टॉक एक्सचेंज को पूरी तरीके से संभालते हैं। एट, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग सर्टन रूल्स हैव बीन लेड डाउन बाय द सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। जो लिस्टेड सिक्योरिटी है, जो ट्रेडिंग के टाइम पे लिस्ट हुई गई है, सिर्फ और सिर्फ उसी का ट्रेडिंग हो सकता है। और ये ट्रेडिंग एक्टिविटी या ये लिस्टेड रूल्स कौन बनाता है, तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ने जिस सिक्योरिटी को लिस्टिंग कर दिया गया है, तो हम लोग उसी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग का टॉपिक है नेक्स्ट, इंटरमीडिएट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें सबसे पहला है क्लाइंट ब्रोकर, सेकेंड प्रीमिसायर, थर्ड फ्लोर ब्रोकर और सब ब्रोकर और ऑथराइज क्लर्क, फोर्थ अनऑथराइज क्लर्क, फिफ्थ जॉबर्स एंड मार्केट मेकर एंड सिक्स्थ फाइनेंसरी। तो देखते हैं इस पॉइंट में क्या क्या मतलब दिया हुआ है। सबसे पहला हम लोग का है क्लाइंट ब्रोकर। क्लाइंट ब्रोकर आर द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हु प्रोवाइड द सर्विस एज अ ब्रोकर टू द क्लाइंट। जैसे मैंने पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक में बताया कि हर कोई मेंबर जो है या हर कोई पर्सन स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, जिसकी मेंबरशिप स्टॉक एक्सचेंज के साथ चल रही है वही उसके अंदर डील कर सकता है। तो अगर समझो कोई बाहर का पर्सन है जो इसका मेंबर नहीं है, उसको अगर स्टॉक एक्सचेंज में डील करने का कुछ इंटरेस्ट आया परचेसेस सेल करने का, तो वो क्या करेगा, तो मिडल पर्सन यानी ब्रोकर को बोलेगा और ब्रोकर उस हिसाब से उसको परचेस या सेल्स करके देगा। दे परचेज एंड सेल्स सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। Those who desire to sell their share or bond contact the broker and those who desire to buy also contact the broker. उन लोग क्या करते हैं ब्रोकर लोग, तो जिनका डिज़ायर ऐसा रहता है परचेज करने का, तो वो ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करता है, या जो चाहता है अपने सिक्योरिटी को बेचना, वो भी ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करता है और उन लोग प्राइस कोटेशन कर देते हैं, यानी प्राइस पहले से बता देते हैं कि हमको कितने में परचेज करना है या कितने में सोल्ड करना है। On the stock exchange, the broker of the seller sells and the broker of the buyer buys the security. In this way, broker act as a connecting link between the seller and the buyer. एक पर्टिकुलर दिन में या स्टॉक एक्सचेंज में अगर जो दो ब्रोकर, एक ब्रोकर जो परचेस करने वाला रहता है वो और दूसरा ब्रोकर जो सेल्स करने वाला रहता है वो, अगर दोनों एक दूसरे को मिल गए, तो उन लोग अपना जो भी परचेस सेलिंग है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और इस तरीके से उन लोग दोनों लिंक बनते हैं ब्रोकिंग बिजनेस के। ओके, फिर सेकेंड दिया हुआ है रेमिसस। रेमिसस आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रोकर हु आर ऑथोराइज टू परचेज एंड सेल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द ब्रोकर, बट दे कैन नॉट परचेज एंड सेल इन द ओन नेम। रेमिसस एक ऐसा ब्रोकर का रिप्रेजेंटेटिव है जो जिसको अधिकार दिया गया है परचेस या सेल्स करने का सिक्योरिटी का, लेकिन वो अपना नाम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, उसको ब्रोकर का नाम ही यूज़ करना पड़ता है। थर्ड हम लोग का है फ्लोर ब्रोकर और सब ब्रोकर और ऑथराइज क्लर्क। दिस आर द पर्सन अपॉइंटेड बाय द ब्रोकर टू हेल्प इन परफॉर्मिंग हिज ब्रोकिंग बिजनेस। दे आर नोन एज बाय डिफरेंट नेम लाइक फ्लोर ब्रोकर और सब ब्रोकर और ऑथराइज क्लर्क। ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रोकर दे ट्रांजेक्ट द बिजनेस इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल ब्रोकर। दे कैन नॉट ट्रांजेक्ट द बिजनेस इन द ओन नेम, बट इफ दे पोजेस द पावर ऑफ अटॉर्नी दे कैन साइन एंड इशू द कॉन्ट्रैक्ट नोट इन दर ओन नेम। ईच स्टॉक एक्सचेंज हैव डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सच सब ब्रोकर और ऑथोराइज क्लर्क टू बी अपॉइंटेड। अब फ्लोर ब्रोकर या सब ब्रोकर या ऑथोराइज क्लर्क क्या होता है, तो एक ब्रोकर का कोई और सब ब्रोकर बनता है, उसको हम लोग फ्लोर ब्रोकर बोलते हैं या सब ब्रोकर बोलते हैं। अब ये काम क्या करता है, तो सेम ब्रोकर जो काम करता है वही उसका सब ब्रोकर काम करता है। इसमें उसको खुद का नाम यूज़ करने का हक नहीं रहता, लेकिन हाँ, अगर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी में साइन किया है ब्रोकर ने और उसको अधिकार दिया है, तो वो सब ब्रोकर उसके खुद के नाम पे सिग्नेचर कर सकता है। ओके, फोर्थ दिया हुआ है एन अनऑथराइज क्लर्क। इन लंडन स्टॉक एक्सचेंज अनऑथराइज क्लर्क आर ऑल्सो परमिटेड
टू एंटर द स्टॉक मार्केट बट दे कैन नॉट ट्रांजेक्ट द बिजनेस जनरली दे कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइजेस एंड द ट्रेडिंग वॉल्यूम दे आर नोन एज ब्लू बटन बॉयज अनऑथराइज क्लर्क जो है वो लंडन स्टॉक एक्सचेंज में चलता है इन लोग मार्केट में ट्रांजेक्शन तो नहीं करते मतलब परचेस और सेल्स तो नहीं करते लेकिन इन लोग क्या देखते तो सिक्योरिटी का प्राइस कितना है उसकी वॉल्यूम कितनी है ट्रेड कितना हो रहा है वो सब चीज़ें चेक करते इनको जनरली ब्लू बटन बॉयज कहा जाता है फिफ्थ हम लोग को दिया हुआ है जॉबर्स एंड मार्केट मेकर्स जॉबर आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हु परचेज एंड सेल सिक्योरिटी इन द ओन नेम दे ट्राई टू परचेज एट द लोअर प्राइस एंड सेल एट द हायर प्राइस After purchasing, if there is a slight increase in price, they sell out of the security. Their profit depends upon the volume of turnover. If the price decline, they suffer the loss also. Jobbers या तो फिर market makers जो है वो security को purchase या sales करते हैं खुद के लिए यानी खुद के नाम पर इन लोग एक speculative business की तरह काम करते हैं जब भी price कम रहती है तो उन लोग security को खरीद देते हैं और जैसे ही हल्का सा slide में कुछ difference आ गया यानी प्राइस इंक्रीज्ड हो गया तो उन लोग प्रॉफिट के चक्कर में वो सिक्योरिटी को तुरंत बेच देते लेकिन कभी कभार ऐसा रहता है इन लोग को नुकसान भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है सिक्स्थ हम लोग का है फाइनेंसरी आर द पर्सन और बैंकर हु प्रोवाइड फंड टू द ब्रोकर ऑन सेटलमेंट डे इट मे हैपन दैट द ब्रोकर हैज़ परचेज इन लार्ज वॉल्यूम इन एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस बट प्राइस डज नॉट राइज As a result, if he sells the security as purchase, he incurred the loss. Therefore, he postponed to sell, but on the same day of settlement, he has to settle the transaction for which he needs fund financier provided the required fund to him and charge interest on it. Rate of interest depend upon the law of demand, force and supply of short-term fund. कभी-कभार ऐसा होता है कि बैंकर कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि ब्रोकर परचेस करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्योरिटी उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इन फ्यूचर प्राइस इंक्रीज हो सकता है और वो बेच के उसको प्रॉफिट मिल सकता है लेकिन ऐसी सिचुएशन होती नहीं क्योंकि वो एक अंदाज़ा ही रहता है स्पेकुलेशन ही रहता है तो इस टाइम पे ब्रोकर क्या करेगा वो अगर तुरंत उसको बेचने जाएगा तो उसको नुकसान होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है तो उस टाइम पे उसको हेल्प करने आता है फाइनेंसरी इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी बैंक प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी बैंक होती है वो उसको हेल्प करती है उसको पैसे उस टाइम के लिए देती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है अब इंटरेस्ट डिपेंड रहता है कि कितना डिमांड है सप्लाई और मनी का ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक और उसके इंटरमीडियरीज यानी कौन कौन बीच में आके उनका काम कर सकता है तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी तरीके से डियर मित्रों को प्यार देते रहिएगा ताकि हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकें थैंक यू सो मच बाय बाय